क्या आपने सुना है कि जिंदगी की हर घटना हर दृश्य दो बार होते हैं? जी हाँ, ये सृष्टि में नियम है कि जो भी कुछ होता है वो दो बार होता है। पहली दफे उसका फॉर्मेशन मनुष्य के दिमाग में होता है और उसके बाद वो सच्चाई में रियलिटी में बाहर आता है। तो ये सिर्फ वस्तुओं की बात नहीं है, जितनी भी वस्तु आप देख रहे हैं आपके आपके सामने है, मान लीजिए ये मेरा तौलिया है या मेरा कागज है या पेन है, ये एक बार में नहीं आए, ये पहले किसी के दिमाग में आए, हो सकता है हजारों वर्ष पहले आए हो सकता है कि पिछले साल आया हो। तो पहले किसी के दिमाग में एक चीज आती है, फिर उसका वो एक मेंटल पिक्चर बनाता है, उसका मेंटल मैप बनाता है, उसके बाद उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है, उसको कागज में ड्रॉ करता है, उसका मेजरमेंट लिखता है, उसके बारे में सोचता विचारता है, उसके बाद वो चीज मैन्युफैक्चर होती है। मैन्युफैक्चरिंग के भी लंबे प्रोसेस हैं, लेकिन उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे ये चेयर बनी हुई है तो इसका भी जो है एक प्रोसेस रहा, उस प्रोसेस के हिसाब से ये बनी। पहले ये किसी के दिमाग में आया, फिर उसने उसको कागज पर ड्रॉ किया और फिर ड्रॉ करने के बाद जो बनाने वाला था उसको दिखाया गया, उसने उसको देखा और उसको देख करके उसने बनाया। तो पहले एक जन के दिमाग में पिक्चर आया, दूसरे ने ड्राइंग बनाई, तीसरे ने उसको बनाया। ये तो ये हो गया वस्तुओं का, लेकिन हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो दो बार होता है। पहली दफे हमारे दिमाग में क्रिएट होता है और उसके बाद वो रियलिटी में आता है। आज आपके साथ जो भी हो रहा है आपको मालूम नहीं, लेकिन वो आपके सोच का ही फल है। ये सोच आपके बीज की तरह है, आप जो बीज डालिएगा वही फल होगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से प्रकृति के नियम में ये बड़ा क्लियर है कि आप सरसों का बीज डालिएगा तो सरसों ही होगा, उससे गेहूँ कभी नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आप अपने सोच में जो बीज डालेंगे वही आपको मिलेगा। तो आपको जो मिल रहा है वो आपके बीज का फल है। हो सकता है वो बीज आपने नहीं बोया हो सकता है, लेकिन किसी के द्वारा आपसे बुआया गया है। वो आपके नज़दीकी लोग भी हो सकते हैं, आपके परम प्रिय लोग हो सकते हैं। तो एनीवे, तो अब जो है कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है ये नेचर का एक नियम है। वो पहले हमारे दिमाग में आता है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो। तो अगर हम सोचते हैं कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, शायद नहीं, तो फिर वो काम मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं ये काम कर लूंगा तो मैं जरूर कर लूंगा। उसका तरीका यह है कि मैं जो जरूर कर लूंगा उसका मेरे को एक सॉलिड पिक्चर बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से एक ब्लूप्रिंट को सॉलिड पक्का होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए, उस तरीके से हमारे दिमाग में हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा, मैप क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं ये चाहता हूँ। इस तरीके से आप जो भी कुछ सोचेंगे वही होना है। तो इसीलिए आपको मालूम है हम लोग के बड़े बूढ़े कहते थे, नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं होगा ऐसा मत बोलो, क्योंकि अगर तुम पहले से ही नहीं होगा बोलोगे तो तुम अपने माइंड को उस तरीके से प्रोग्रामिंग करते रहो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा यही हम लोग को बड़े लोग ने बताया ना कि पॉजिटिव सोचो कि होगा, क्यों नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ। और इस सोच से जो है अपने सब कुछ करना है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, कोई भी चीज जो है आप जैसा सोचेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। आज आप जो हैं वो आपके पिछले सोच की वजह से हैं, और कल क्या होंगे वो आज जो सोच है
उसकी वजह से बनी है। तो अब आपको जो है अपने को समझना है कि किस तरीके से अपना सोच देना है। तो अपना सोच किस तरीके से देना है, इस सब्जेक्ट को मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। और वो सब्जेक्ट है कि विजुअलाइजेशन, मेंटल प्रोग्रामिंग, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का जो सबकॉन्शियस पार्ट है उसमें इंफॉर्मेशन फीड करना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए और जांच लीजिए कि जो भी कुछ क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ भी सरकमस्टांसेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई भी परिस्थिति आ रही है, वो आपके दिमाग में पहले आई थी। अगर आप कहीं जाकर के सफल होना चाहते हैं, किसी से मिलना जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाकर के सफल होना चाहते हैं, तो आप उस सीन को विजुअलाइज करिए। आप देखिए कि आप फला फला आदमी के पास गए हैं, उसके संग बात किया है, आपने उसको कन्विंस कर दिया है और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, पहले अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वो रियलिटी में आएगा। तो अगर आप कुछ अपने माइंड में क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो वो रियलिटी में नहीं आ सकता। ये चीज़ को आपको अच्छी तरीके से आज समझ लेना है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है? हमारा जो माइंड है वो एक ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जैसे एक रेडियो स्टेशन होता है, वो सिग्नल भेजता है और वहाँ पर सिग्नल आते भी हैं। तो हमारे माइंड में जो होता है वो थॉट वेव के द्वारा यूनिवर्स में जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद जो है वो वहाँ से सुटेबल इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, क्योंकि जो भी कुछ है सब यूनिवर्स में है। देखिए, ये मेटाफिजिक्स का सब्जेक्ट है कि जो कुछ भी होना है, जो हमारे लिए फ्यूचर है, वो हुआ हुआ धरा है। ठीक है, ये आज आपको समझने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन फैक्ट ये है कि एवरीथिंग इज देयर। ये सिर्फ हमको वहाँ पे जर्नी करने का टाइम की बात है, एक जर्नी का टाइम है, वो इमर्ज होगा। तो उसको इमर्ज करने के लिए आपका चिंतन बहुत काम करेगा। तो इसीलिए आपको अपना चिंतन यही सोच के करना है कि हमारे लिए बहुत सुंदर कुछ इमर्ज होना है। तो अगर आप उसको नहीं चिंतन करिएगा तो इमर्ज नहीं होगा। अगर आप साधारण चीज का चिंतन करेंगे तो साधारण चीज ही इमर्ज होगी। एक कहावत है अंग्रेजी में कि हमने चवन्नी की चाह की तो हमको चवन्नी ही मिलेगी, यानी कि हमने जो है छोटी चीज की चाह की तो हमको छोटी चीज ही मिलेगी। बड़ी चीज पाना है तो हमको बड़ी चीज की चाह करनी पड़ेगी। बड़ी चीज की चाह हम कैसे करेंगे? अपने मेंटल प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो मेंटल प्रोग्रामिंग क्या है? जो मैंने आपको बताया कि विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने माइंड में एक पिक्चर बनाना। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, और ये पॉइंट क्लियर होना बहुत दरकार है, क्योंकि हमारे आने वाले कोर्सेज में यही सब चीज़ों का गहन में अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने बारे में ऊंचा सोचते हैं तो ऊंचा होगा, अगर हम अपने बारे में मध्यम सोचते हैं तो मध्यम होगा, अगर हम अपने बारे में लो सोचते हैं तो हमारा लो एस्टीम हो जाएगा। तो आप तो अपने सबसे बड़े मित्र हैं ना, तो कभी भी लो मत सोचिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा यही सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। और कहीं भी मान लीजिए आपके दिमाग में लेश मात्र ये आ जाता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, कोई डाउट आ जाता है, किंतु परंतु आ जाता है, तो उसको निकाल दीजिए। आप सोचिए कि आप तो कैपेबल हो रहे हैं ना, ये जो आप ज्ञान पा रहे हैं ये किस लिए पा रहे हैं? ये ज्ञान तो कैपेबल होने के लिए आप पा रहे हैं ना। तो अब तो आप निश्चिंत हो जाइए, अब तो हुआ पड़ा है। आप यही सोचिए
कि ये हुआ पड़ा है, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, आप तो राह पे चढ़ पड़े हैं, राह में जो जो चीजें आएंगी आप उसको तो पार करेंगे ही, ठीक है। तो आज हम इनर साइज करेंगे, लेकिन आज मैं आपको इनर साइज का और एडवांस मतलब बताता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, तो ये जो पहली दफे आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आज का जो आप इनर साइज करेंगे, देखिए मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं आपको, एक मिनट का ऊपर देखो बताया है, 3-4 मिनट का ये जो इनर साइज करवाते हैं, ये सब जो है उसी के पार्ट है, विजुअलाइजेशन के पार्ट है। तो चीज क्या है कि आपको अपने दिमाग में एक सॉलिड पिक्चर बनाना है और उसी पिक्चर के आधार पे आपके जीवन में चीजें आएंगी। आप अच्छे रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तो आपके अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होंगे, आप रिलेशनशिप में डाउट रखेंगे तो डाउटफुल हो जाएंगे। तो हर कुछ जैसा आप सोचेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको अल्टीमेटली करना है कि थोड़े समय के लिए माइंड इतना प्योर हो जाए कि आप जो सोचना है बहुत क्लियरिटी से सोच सकें। आपको तो मालूम ही होगा कि कोई भी सोचने का काम कब आप अच्छा कर सकते हैं, जब आपका दिमाग शांत हो, चारों तरफ कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तभी तो आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। आप क्या भीड़ में जहाँ पे आपस में लोग बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो चिंतन के लिए आपको शांत जगह चाहिए। तो आपको आस्ते आस्ते यहाँ पे आना है कि आप अपना दिमाग शांत करके, खुशी से भर करके, अपना जो पाना चाहते हैं उसका पिक्चर बना सकें और उसको अपनी आँखों के पटल पे देख सकें, ठीक है। तो आज हम लोग का इनर साइज हम लोग वैसे ही करेंगे, और ये आपको याद दिलाते हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि आपको सीधे बैठना है और कमर सीधी रखनी है, आप कुर्सी पे पैर लटका के भी बैठ सकते हैं, उसके बाद 3 सांस लेनी है, ठीक है। तो फिर बैठ जाइए, या तो कुर्सी पे या नीचे आलती पालती मार करके, कमर सीधी रखिए और इसके बाद जो है बदन को हल्का कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, और उसके बाद आपको 3 सांस लेना है और सांस को गहरी लेकिन आराम से, कोई खींच करके नहीं लेना है, ऐसे प्रफुल्लित होकर के। और जब सांस अंदर जा रही है सांस की तरफ ध्यान दें, सांस बाहर जा रही है उसकी तरफ ध्यान दें, और महसूस करें कि सांस जब आ रही है ठंडी है, निकल रही है गर्म है, और साथ साथ आप ये भी सोचें कि आपका बदन हल्का हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कोई भी टेंशन नहीं है कहीं पे, कोई किसी जोड़ में कहीं कोई वो नहीं है, एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। फिर दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए आपके अंदर खुशी भर गई है, प्रफुल्लता भर गई है, हल्कापन भर गया है। तीसरी दफ़े सांस लीजिए, तब महसूस करिए कि आप अपने को देख रहे हैं, अपने को निहार रहे हैं और अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम लोग थोड़ी देर का गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद 2 मिनट आप खुद करिएगा। तो चालू करते हैं। पहली सांस लीजिए, रिलैक्स हो गए। दूसरी सांस लीजिए, खुशी से भर गए।
तीसरी सांस लीजिए और अपने को देखिए, अपने को देखिए और देखिए कि आप जीवन में सफलता की राहों में चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है। जैसे दुनिया में लाखों लोग रह रहे हैं, आप उससे ऊपर रहना चाहते हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा फील करिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपको ये पता चल गया है कि कैसे सफलता पाई जाती है। आपको पता चल गया है सफलता पाने के कुछ तरीके होते हैं और वो तरीके कोई बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड बहुत महान तरीके नहीं होते हैं, छोटे छोटे तरीके होते हैं। उसी को हम ठीक से फॉलो कर कर के समझ करके ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को पा सकते हैं। ऐसा चिंतन करिए, चिंतन करिए, ऐसा फिर चिंतन करिए कि जो मेरा दिमाग देख सकता है, जो मेरा दिमाग मान सकता है, वो जीवन में मैं पा सकता हूँ। जो मेरा दिमाग विश्वास कर सकता है, वो मैं जरूर पा सकता हूँ। तो मैं पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन का एक खाका तैयार करूँगा, एक रूपरेखा तैयार करूँगा। उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। और कुछ एक दिन की बात है, मैं अपने छोटे छोटे चित्रों को बंद कर दूँ, नहीं तो छोटे छोटे होल्स में असली चीज़ निकल जाएगी, घी निकल जाएगा छोटे छोटे छेदों से। तो अभी मैं सब छोटे छोटे छेद भर रहा हूँ, उसके बाद मेरे जीवन में सच्चा ज्ञान बढ़ेगा और सच्चे ज्ञान के आधार पे मैं ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ जिसमें सिर्फ मेरा ही कल्याण नहीं, मेरे परिवार का भी कल्याण हो, मेरे समाज का भी कल्याण हो, मेरे देश का भी कल्याण हो और सारे विश्व का कल्याण हो। तो मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। मैंने स्कूल और कॉलेज में बरसों बिताए हैं अपने को तैयार होने के लिए। यहाँ तो सिर्फ 3.25 महीने का सवाल है, मैं 3.25 महीने में बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाऊँगा। अब आप इस तरीके से मन में विचार करिए कि आप जो भी सोचेंगे, ऊंचा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में जो होने देना चाहते हैं वही सोचेंगे, जो होने देना नहीं चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, आप इस चीज़ को चिंतन करें, ठीक है।
आहिस्ता आहिस्ता हाथों को मसलिए और आँख पे हल्के से लगाइए, सारे चेहरे पे रिलैक्स फील करिए, आँखें खोलिए और महसूस करिए कितना अच्छा लग रहा है। आप एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और इसकी प्रैक्टिस करिए और आगे से आप समझ लीजिए कि आपका जो चिंतन है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है और एक चीज़ आपको याद रखना है कि नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जैसे ये नहीं सोचे कि भाई ये मेरे साथ नहीं हो, ये मेरे साथ नहीं हो। आप अगर ये सोचते हैं वो भी नेगेटिव, वो भी आपको एडवर्स इफेक्ट करेगा। आप समझ गए ना मेरी बात? जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं फेल नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोलना है कि मैं फेल नहीं हूँ। बोलना क्या है? मैं पास हूँ। नेगेटिव को भी नहीं बोलना है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसके बारे में मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, आप अपने YouTube में कमेंट देते रहिए और आपने अभी तक कितने लोगों को जोड़ा है वो भी बताइए ना। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो औरों को भी जोड़िए। और अब तो हम लोग ने ऐसा कर दिया है कि जो इनरोल करेगा उसको एक नंबर वीडियो जाएगा, अगले दिन दो नंबर वीडियो जाएगा, उसके बाद वाले दिन तीन नंबर जाएगा। ठीक है, अच्छा।